कार्तिक नायरा हो, नीलवनी, अद्वैत चांदनी या फिर अनिका शिवाय, इन दिनों सभी एक्टर और एक्ट्रेस के सिर पर मौत मंडरा रही है। कम से कम 20 ऐसे सीरियल्स हैं जिनकी शूटिंग खौफ के साए में होती है। रोजाना सीरियल्स की यूनिट जिंदगी को दांव पर लगाकर शूटिंग करती है। हाल ही में शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा अपनी फिल्म जब हैरी मेट सेजल की प्रमोशन के लिए ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर गए थे, तभी शाहरुख के बॉडीगार्ड्स ने एक तेंदुए को आते हुए देखा जो एक जानवर को दबोच कर ले जा रहा था। इसे सेट पर सनसनी फैल गई। दरअसल मुंबई की गोरेगांव फिल्म सिटी संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर है, जहां तेंदुए और सांप जैसे बहुत से जंगली जानवर पाए जाते हैं। इससे टीवी और फिल्म सेट के साथ एक्ट्रेस और यूनिट के सदस्य हमेशा डेंजर जोन में रहते हैं। पिछले दिनों सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान के सेट पर एक तेंदुए ने 3 साल के बच्चे पर अटैक कर दिया था। वो बच्चा शूटिंग देखने के लिए आया था। जब बच्चे को अस्पताल ले जाया गया तो वहां उसकी मौत हो गई। इससे ये सवाल उठता है कि क्या फिल्म सिटी में सीरियल और फिल्मों के सेट कितने सुरक्षित हैं? इसका जवाब आपको ना में ही मिलेगा। गुलाम ये रिश्ता क्या कहलाता है, नामकरण, चक्रव्यूह, एक श्रृंगार स्वाभिमान, इस प्यार को क्या नाम दूं, उड़ान, भाग बकुल भाग जैसे सीरियलों की शूटिंग अब भी फिल्म सिटी में ही होती है। फिल्म सिटी में कोबरा, तेंदुआ, अजगर दिखना आम बात है। मानसून में तो ये जानवर अपने घर से निकलकर फिल्म सिटी की सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं। नामकरण में नील का किरदार निभाने वाले एक्टर जैन इमाम ने सेट पर एक सांप भी देखा था। फिलहाल 20 से ज्यादा टीवी सीरियलों की शूटिंग फिल्म सिटी में की जाती है। पार्क के अधिकारी गांव वालों की सुरक्षा के लिए तो जरूरी कदम उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़े खतरे में जी रही है। ज्यादातर ये तेंदुए खाने की तलाश में यहाँ आते हैं और इसी क्रम में वो स्थानीय निवासियों पर भी हमला कर देते हैं। फिल्म सिटी के अधिकारियों ने यह देखा कि आर्टिस्ट और वर्कर्स खाने पीने की चीजें इधर उधर फेंकते रहते हैं, जिससे कुत्ते, सुअर के साथ अजगर और पैंथर भी यहाँ जाते हैं। मगर इस समस्या का हल निकालना बेहद जरूरी है, वरना आपके फेवरेट स्टार के साथ भी आम लोगों की जिंदगी भी डेंजर जोन में है। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।